अम्मी, मुझे सना के कपड़ों, जूतों, कलर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप क्यों उसे मेरे साथ बर्बाद करना चाहती हैं? देखो हमजा, मेरा दिमाग और मूड मत खराब करो। उसे पहले से ही सब मालूम है, वो सब जानती है। जब उसे कोई एतराज नहीं है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड अम्मी। सना तो क्या किसी को भी खुश नहीं रख सकता। क्या है उजा? हमारी ख्वाहिशों को कब्र में उतारने पे क्यों तुले हुए हो? हम तुम्हारे माँ बाप है, क्या ये हमारा कसूर है? तस्मीम, मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ आपको सच्चाई बता रहा हूं। हमसा वो लड़के हीरा है, उसके पास एक दर्दमंद दिल है और सबसे बढ़कर वो तुम्हारा दर्द समझती है। समेट लेगी वो तुम्हें। तुम्हें इस वक्त ऐसे ही साथी की जरूरत है बेटा। अब आपको क्यों नहीं समझ? रानिया सना की भाभी है, शादी के बाद मेरा उससे आमना सामना हो। हम इस इशू पे बात कर चुके हैं और मैंने और तुम्हारे पापा ने ये फैसला किया है कि शादी के बाद तुम्हें दुबई भेज देंगे। ना तुम यहाँ होगे, ना उनका सामना होने का डर होगा। तो ठीक, जो आपकी मर्जी। मैं बस सना और उसकी खुशियों की गारंटी नहीं दे सकता। ये बात आप सना को और उसके वालदैन को बता दीजिए। हाँ हाँ बता दूंगी, वो सब जानते हैं। बस तुम खुद को ज़हनी तौर पर मंगनी के लिए तैयार, और बाकी सब कुछ वक्त पे छोड़ दो। वक्त का मरहम है ना, गहरे से गहरा घाव भी भर देता है। तो कुछ नहीं है ना, बैठा हूँ ना यही तुम्हारे सामने। अब लेके तो नहीं गए ना मुझे? कहाँ मैं कहीं, आप बैठी भी फजूल की ओवर एक्टिंग की जा रही हो। अम्मा ये अल्लाह बगैर देखे, मुझे एक बात समझ नहीं आई। ये जो तुम्हारा लाडला है, इसने उसकी जिंदगी अजीरन बना रखी, लेकिन फिर भी वो यहाँ से टस से मस नहीं होती, ऐसा क्यों? अरे तुम्हारा क्या मसला है, हर दफा मेरे मामले में क्यों बोलती हूँ? मैं तुम्हारे मामले में कुछ बोलता हूँ क्या? अच्छा तुम मेरे बारे में बोलते नहीं हो, लेकिन यहाँ से वहाँ कल से फुदक जरूर रहे हो। मेरी मंगने की खुशी की खबर सुनते ही तुम्हारे अंदर तो कुछ हो गया। सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें ये रानिया के साथ साथ, और तुम्हें भी तो वो रानिया का एक्स ही मिला था ना काबू करने के लिए, और तुम्हें भी पूरी दुनिया में हमजा के मंगेतर ही मिली थी हाथ मारने के लिए। क्या है, तुम लोगों की टेंटे बंदी होगी कभी? हाँ तो इसको समझा लेना, या इंदा मेरे मामले में ना बोले, नहीं तो मैं इसका मुंह नोच लूंगा। खबरदार जो मुंह नोच लोगे। हाँ कैसे नोच लोगे, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी, समझ आई ना? मैं रानिया नहीं हूँ जो यहाँ पिट पिटा के यहाँ वहाँ घूमती फिरूंगी, समझ आई है? सना तू इधर आ। अरे खबरदार, खबर करवा दिया।
ऐसा करो छुरी कांटे लो, एक दूसरे को मार डालो, मर मिटो, जो बचेगा उसे पाल लूंगी मैं। तगी ये जीरन हो गई मेरी तो। उसका बस पड़ोस वालों को भी पता चल गया कैसी औलाद है, अब चाय पिला दो। मत चाय पिला दे, रुक रहा हूँ, टाइम है। पढ़ाया चाय पीने वाला, अपनी जोरों से कह रहा चाय पिलाएगी तुझे। भाई आंखें हैं या बटन है, सामने से आ ही जा रहे हो, अभी मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता फिर। अरे हुआ तो कुछ नहीं है ना, चले आई एम सॉरी, खत्म करें बात, जाएं आप यहाँ से। सॉरी बस आई एम सॉरी, अरे मेरी गाड़ी टकरा जाती तुमसे फिर क्या होता। वैसे ही ना तुम बड़ी गाड़ी वाले हो ना, गाड़ी में बैठकर खुद को गवर्नर समझने लगते हो, किसी को भी कुचलते हुए चले जाओ। मैं आती हूँ। आंटी क्या बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी कर रही हैं आप, शुक्र करें कि कुछ हुआ नहीं है वरना। आंटी क्या आंटी किसको कहा तुमने, और वरना क्या कर लेते वरना तुम अकेली औरत देख के हैरान करने की कोशिश कर रहे हो। एक मिनट गए, क्या हैरान किया उन्होंने आपको, गलती आपकी है, आप तेज आ रही थी ना वहाँ से, तो शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने आपको बचा लिया है, उल्टा आप औरत कार्ड खेल रही हैं। आप हैं कौन? मैं जो कोई भी हूँ, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन ये एक्सीडेंट वगैरह जो होते हैं ये जिंदगी का हिस्सा होते हैं, अल्लाह का नाम लें और जाएं, आप खुदा का शुक्र अदा करें, जाएं। बढ़िया जाएं आप। पागल औरत है ये, अजीब। आपका बहुत शुक्रिया। जो वेलकम। रुके रुके, आप ऐसा करें, आप जाएं। Excuse me. अगर आपको बुरा ना लगे तो can I drop you? Why not? Sure. हाँ सर।